रियलिटी शो बिग बॉस 9 के फिनाले में पहुंची। इस दौरान सलमान ने उनके साथ सेल्फी ली और कबूल किया कि वो अब भी उनके दीवाने हैं। जैसे ही कटरीना की एंट्री स्टेज पर हुई, सलमान ने उनसे कहा, कटरीना आप बहुत स्टनिंग महिला हैं, पूरा हिंदुस्तान आपका दीवाना है, मैं भी। बता दें कि रणबीर कपूर से पहले सलमान कैच के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप चर्चा का विषय बना हुआ है। खबरें यहां तक आ चुकी हैं कि रणबीर से ब्रेकअप के पहले कैच ने सलमान से मुलाकात की थी। दोनों ने 2 घंटे तक बात की, इसके बाद ही कैच ने रणबीर से अलग होने का फैसला लिया। अमिताभ बच्चन के नाते नाव्या और शाहरुख खान के बेटे आर्यन की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाती रहती हैं। अभी हाल ही में आर्यन खान ने अपना 19वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और खास बात यह है कि उस पार्टी में आर्यन की खास मेहमान थी नाव्या नंदा। आर्यन के बर्थडे की ये फोटो जिसमें आर्यन और नाव्या साथ है, इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। कई फोटोज को मिलाकर बनाए इस कोलाज में दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये दोनों लंदन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। प्रकाश झा की आने वाली फिल्म जय गंगाजल का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही प्रियंका चोपड़ा का कड़क अंदाज देखने लायक है। फिल्म का ये ट्रेलर भी दमदार डायलॉग से भरा हुआ है। प्रियंका कहती नजर आ रही हैं, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ, जेल में कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल के लिए आई हूँ। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। ये फिल्म 4 मार्च को रिलीज होगी। The first thing you notice about Pinky Tamang, apart from the fact that she's an absolute babe, of course, is the tattoo on her forearm, the line, "Love is the journey, not the destination," topped with the Khalsa crest. Tamang may have unwittingly marked herself with a warrior sign, but it works. She is a fighter at heart. Radhika Apte has shot for some sexy pictures for GQ magazine. Radhika is looking hot, sensuous and the thinking man's pin-up. She also spoke about her career and controversies. On first impressions, you could be fooled into imagining Radhika Apte as your electric artsy friend from back home, the one you have always secretly had a crush on but no courage to ask out. So the truth is, Radhika Apte is just way out of your league. Well, thanks for watching this video. Now hit the like button and subscribe our channel to watch more. See you in the next video. Till then, enjoy.